जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने मिनी सचिवालय परिसर स्थित तहसील कार्यालय, एसडीओ कार्यालय, ट्रेजरी कार्यालय, एलआर कार्यालय, डीएसओ कार्यालय, लोक सेवा गारंटी कार्यालय, फूड कॉरपोरेशन कार्यालय तथा नागरिक सुरक्षा कार्यालय समेत कई अन्य कार्यालय व परिसर और सभागार आदि का निरीक्षण कर जायजा लिया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही नागरिक सुरक्षा कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कार्यालय में लगे हुए मकड़ी के जाले को देखकर जिला कलेक्टर भड़क उठ गए। कर्मचारियों को बुरी तरह से फटकार लगाई और कहा कि क्या तुम अपने घर को भी इसी तरह से गंदा जालेदार रखते हो, जिस पर कर्मचारी बंगले में झांकने लगे। जिला कलेक्टर विजय ने कहा कि यहां नियुक्ति के बाद यह पहला निरीक्षण है। सफाई व्यवस्थाओं को लेकर कार्य में सुधार की जरूरत है, वहीं कार्यालय में कार्य का वातावरण बने उसकी भी आवश्यकता है। बाहर से यहाँ पर आने वाले आशार्थियों व प्रार्थियों को बैठने की सुविधा मिले, पेयजल की सुविधा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार से बजट और अन्य मद से बजट लेकर प्रयास कर कार्य व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। साथ ही एक टीम का गठन भी किया है जो समय समय पर निरंतर विजिट करके कार्यों की दशा व दिशा की जाँच करेगी। जिस घर में आके रोजी खाते हो, सरकार से तनख्वाह लेते हो मोटी मोटी, इसको अच्छा नहीं बना सकते नहीं, अपने घर को साफ करते हो ना खुद? कर देंगे सर, कराओ उसको साफ। पांच पांच लड़के बैठे रहते हैं यहाँ पे।